ओके एवरीवन, तो आज हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल साइंस मतलब ये तो हमारा डेमो लेक्चर है, लेकिन एक्चुअली जब भी हम अपना कोई भी सेशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ करेगा। ओरिएंटेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आपने एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो कौन सी बुक से पढ़ना है। सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स दी जाएंगी आपको रीडिंग के लिए। कौन से वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार हो जाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको आपका पेपर पास करना। स्कोर करने के लिए हमारा सेकेंड लेवल होगा, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स करेंगे ताकि इन केस अगर पेपर एक्सपेक्टेशंस के अलावा आए, किसी और किस्म के क्वेश्चंस आ जाएं, तो भी हमारे पास इतनी प्रिपरेशन हुई हो कि हम उसमें अच्छा स्कोर कर लें। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत सेफ सब्जेक्ट है, और अगर हम ये रखते हैं तो हमारे पास काफ़ी चांसेस होते हैं 120 से अबव स्कोर करने के। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स, आप इतना जो अदर लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं आप, तो उसके अंदर आपको पता है कि इतना अनप्रडिक्टेबल है, वो कभी ज़्यादा स्कोर आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो फॉर द सेफर साइड मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी, जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा वी विल टॉक अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अपनी हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, आपके पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कैसे एंड होना चाहिए, कितने कोटेशन होने चाहिए, हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे पहले। अच्छा, हम वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमेशा, और वन लाइनर नोट्स इतने काफ़ी होंगे कि आपका वो क्वेश्चन भी हो जाए और आप वो पास भी कर लें। लेकिन उसके साथ जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करेगा। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखेंगे कि ये बहुत ही डिफरेंट तरह का सब्जेक्ट है। जिस तरह के हमने सारी ज़िंदगी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस, इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो आपने कभी इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। अब पॉलिटिकल साइंस में इट्स व्हाट्स इट अबाउट, इट्स अबाउट डिफरेंट फिलोसफर्स गिविंग देयर पॉलिटिकल थॉट्स कि किस तरह का एक स्टेट सिस्टम होना चाहिए, किस तरह की गवर्नमेंट बेस्ट होती है, क्या रिलेशन होना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड द पीपल, क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या मोनार्की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हर फिलोसफर ने डिफरेंट तरह की फिलोसफी दी है कि इस तरह से जब स्टेट के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो एक पॉलिटिकल स्टेट सही तरीके से काम करेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो को। प्लेटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, और इसको जब आप अच्छे तरीके से करेंगे थोड़े पिक्यूलियर कंसेप्ट आपको समझ आपके सामने आएंगे, और उनके ऊपर आप अपनी सारी की सारी आने वाली फिलॉसफी को बेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लेटो का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्वियसली ही इज़ फ्रॉम, कहाँ से वो बिलोंग करता था, उसका टीचर कौन था, उसका स्टूडेंट कौन था। ही बिलोंगड टू एथेंस। एथेंस एक ग्रीक सिटी स्टेट थी, और ये एंशियंट स्टेट्स थी। मतलब आप कह दें कि यहाँ से इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आप कह दें कि ऑर्डरली फॉर्म में इनका पॉलिटिकल थॉट पड़ा। इससे पहले भी लोगों ने दी इससे, लेकिन ये सबसे ऑर्डरली फॉर्म में था, और इसकी बेसिस के ऊपर ज़्यादातर आगे पॉलिटिकल थॉट का काम हुआ। ज़्यादा हमने इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, जो फिलॉसफी का पार्ट है उसमें नहीं जाना, हमने सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी पर फोकस करना है। जिस तरह अगर हम आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑल्दो पॉलिटिकल थॉट में भी बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ होता है, दूसरी फिलॉसफी जो है उसके अंदर यूज़ होता है। तो आप जब प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे और जब प्लेटो के आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है, एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। आपने ज़्यादा डेप्थ में प्लेटो के आइडियलिज्म को नहीं करना। आइडियलिज्म का मतलब ये है, आइडियलिस्ट प्लेटो ये बात कहता है कि जो दुनिया की मटीरियल एग्जिस्टेंस है ना, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ देखती हूँ, सामने कोई चेयर पड़ी है, कोई माउंटेन नज़र आता है, ये सब मटीरियल वर्ल्ड है, ये रियल नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, ये टेम्परेरी है, पैरिशेबल है। तो रियल वर्ल्ड क्या है? तो प्लेटो के अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड है आइडियल वर्ल्ड, मतलब जो मेरे जहन में आइडिया है दैट इज़ द रियलिटी। या इस सबसे दूर एक और आइडियल वर्ल्ड है जिसकी सारी की सारी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है इस दुनिया में मटीरियल फॉर्म में, और वो आइडियल वर्ल्ड और वो आइडिया वो कंप्लीट है, परमानेंट है, इम्पैरिशेबल है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई इंसान सोचेगा कि उसने चेयर बनानी है, उसने चेयर बनाने से पहले उसके जहन में उसका आइडिया आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ जिस तरह का उसका
आइडिया था वैसी चेयर बना भी ले। चलो अगर उसने वैसी चेयर बना भी ली तो भी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर से वल्नरेबल है। उसकी एक लाइफ है उस चेयर की, वो टूट सकती है, उसको आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो उस चेयर का आइडिया है मेरे जहन में, उसके ऊपर कोई भी चीज़ असरअंदाज नहीं हो सकती। वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, जो आपकी स्पिरिट है वो हमेशा के लिए रहती है, वो इमॉर्टल है। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है वो मॉर्टल है, क्योंकि वो इस मटीरियल वर्ल्ड का पार्ट है। इसलिए ही वो ह्यूमन बॉडी इम्परफेक्ट है, पैरिशेबल है, क्योंकि वो इस मटीरियल वर्ल्ड का पार्ट है। लेकिन जो हमारी सोल है और जो सोल आइडिया है, उस सोल का आइडिया वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज परमानेंट। तो ये है आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत डिफिकल्ट होगा या बड़ा अजीब लगेगा बहुत सारे लोगों को, मुझे भी लगा था, लेकिन आपको इसकी आदत हो जाएगी क्योंकि सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर बार बार इसका जिक्र आएगा। लेकिन आपने इससे ज़्यादा नहीं करना। इतना आपको पता लग गया कि आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, कि आइडियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड है और जो मटीरियल वर्ल्ड है वो टेम्परेरी है या सिर्फ रिफ्लेक्शन है। और इसी की बेसिस के ऊपर एलिगरी ऑफ केव की इसने अपनी फिलॉसफी दी थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब आपने, अब आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो जब आप प्लेटो और एरिस्टोटल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपने ये बताना है कि प्लेटो क्या था, आइडियलिस्ट था, और एरिस्टोटल क्या था, रियलिस्ट था। वो आइडियल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करता था, वो कहता था कि रियल वर्ल्ड कौन सा है, मटीरियल वर्ल्ड है, कंक्रीट रियलिटी में बिलीव करता था। तो अगर अभी हम सिर्फ इसका सिर्फ इतना डिफरेंस करेंगे, जब हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो हम बाकी सारी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि एरिस्टोटल का ज़्यादातर थॉट प्लेटो की निगेशन में ही जाता है। प्लेटो के हर दूसरे कॉन्सेप्ट को उसने निगेट किया, तो वो भी एक अलग डिटेल टॉपिक है, वो हम आगे जाके करेंगे। तो व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार कि आइडियलिज्म प्लेटो की फिलॉसफी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और इसी के ऊपर आती है इसकी एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव में हम देखते हैं तो कहता है कि इस दुनिया को आप इमेजिन करें एज अ केव। उस केव में दरमियान में एक वॉल है और उस वॉल के साथ लोग बंधे हुए हैं, वो प्रिजनर्स हैं, वो चेंड हैं, और वो इस तरह से चेंड हैं कि उनको अपनी सिर्फ और सिर्फ सामने एक वॉल नजर आती है। एक उनके पीछे वॉल है जिससे वो चेंड है, और एक केव की वॉल है जो उनको नजर आती है। अब क्या होता है कि असल वर्ल्ड तो उस केव के बाहर है, और उस वॉल जिससे वो चेंड है और उस केव की ओपनिंग के दरमियान एक फायर जल रही है, या आप सन भी सोच सकते हैं बाहर से, और बाहर जो होने वाली चीज़ें हैं उनका रिफ्लेक्शन उनको नज़र आता है अपने सामने वाली केव की वॉल पे। क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं रिफ्लेक्शंस को देखा है तो उनके लिए वो रियलिटी है, जबकि असल में तो सिर्फ रिफ्लेक्शंस हैं। उन शेडोज को, उन रिफ्लेक्शंस को वो रिलेट करता है इस मटीरियल वर्ल्ड से, और कहता है कि ये सारा का सारा मटीरियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शंस हैं उस असल वर्ल्ड की, आइडियल वर्ल्ड की, जिसको वो डिनोट करता है एलिगरी ऑफ केव में, ओपनिंग ऑफ द केव से, जहाँ से असल में सब कुछ बाहर हो रहा है। और इंसान जब विजडम अचीव कर लेता है तब वो अपनी चेन्स तोड़ता है, और उस मटीरियल वर्ल्ड को छोड़कर जब वो आइडियल वर्ल्ड में जाता है तब वो कहता है कि ही हैज़ अचीव्ड विजडम। और हर बंदे के ये कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेसिटी सिर्फ लिमिटेड है प्लेटो के अकॉर्डिंग, किसके पास, फिलोसोफर किंग के पास। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेटो की फिलॉसफी में जब हम आइडियल किंग की बात करते हैं तो वो कौन कहता है, कौन है आइडियल किंग, उसके अकॉर्डिंग फिलोसोफर इज़ द आइडियल किंग या आइडियल रूलर। और वो क्यों है वो भी हम पढ़ते हैं। तो एलिगरी ऑफ केव इज दिस, कि बस प्रिजनर्स हैं, उन प्रिजनर्स ने क्योंकि रियलिटी देखी नहीं तो उनके लिए जो रिफ्लेक्शंस हैं वही उनकी रियलिटी है, और जब वो विजडम गेन करते हैं तो जब वो रियलिटी को देखते हैं तो उनको पता लगता है कि असल रियलिटी तो क्या है, आइडियल वर्ल्ड की है। तो दैट्स इट। इसकी बुक्स देखते हैं हम तो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इसने, और उनको बाद में कंपाइल किया गया, लेकिन सबसे मशहूर बुक थी इसकी रिपब्लिक, जिसमें उसके अलावा पॉलिटिक्स, ग्रीको, मीनो, ये सब कुछ चीज़ें आती हैं। अब रिपब्लिक 10 बुक्स का मजमुआ है, एक पूरा एक, उसके अंदर इसने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात की है, ह्यूमन लाइफ की बात की, इसकी 5 नेचुरल डिवीजन है जिसमें इसने ह्यूमन लाइफ के बारे में बात की, नेचर ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी के बारे में बात की है, ह्यूमन सोसाइटी, 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, स्पिरिट, एपेटीट, रीजन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्युनिज्म एंड रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, नेचर ऑफ प्लेयर, प्रिंसिपल ऑफ टायरनी, रिलेशन ऑफ फिलोसफी टू आर्ट एंड पोइट्री, केपेबल एंड इंसान की केपेबिलिटी एंड डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन सोल। तो ये सारी चीज़ें, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें ये आप कर लें, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो इसी के ऊपर इसकी सारी फिलॉसफी बेस्ड है।
जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आता है प्लेटो के जस्टिस में. सेबीन जो है इसका हम कोट यहाँ पर लिख सकते हैं, द आउटस्टैंडिंग फैक्ट ऑफ प्लेटोज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वॉज हिज एसोसिएशन एज अ यंग मैन विद सोक्रेटिस फ्रॉम विच ही डिराइव्ड व्हाट वॉज ऑलवेज द कंट्रोलिंग थॉट ऑफ हिज पोलिटिकल फिलोसफी द आइडिया दैट वर्च्यू इज नॉलेज. आइडियल्स के बारे में आपको मैंने ये बात आ चुकी है जो कहते हैं कि रियलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स आइडियल फॉर्म रादर मटीरियल फॉर्म दैट इज परफेक्ट परमानेंट एंड इम्पेरिशेबल. और एक जब आप इसकी फिलॉसफी का बेसिस लिखें तो आप ये बताएंगे कि इस जिस तरह बाकी सारे फिलोसफर्स कहते हैं, ये भी कहता था कि फिलोसफी का पर्पज़ क्या है, टू अटेन गुड लाइफ. अब हमने सारी जिंदगी प्लेटो को पढ़ाया, एरिस्टोटल को पढ़ाया और हमें लगता है कि जो उन्होंने फिलॉसफी दी वो बेसिस बनी अब की डेमोक्रेसी की, जबकि अगर देखा जाए तो वो डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है. वो कहते थे कि दैट्स अ मोबोक्रेसी, जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको क्या पता स्टेट के अफेयर्स का. तो ये कहते थे कि इट्स द डिवाइन राइट ऑफ इग्नोरेंट टू रूल इग्नोरेंटली. तो ये लोग टोटली अगेंस्ट थे डेमोक्रेसी के. तो इन प्लेटो की आइडियल स्टेट जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्लेटो अब कंसेप्ट देगा कि बेस्ट तरह की स्टेट कौन सी होगी, आइडियल स्टेट किस तरह की होगी. आइडियल स्टेट प्लेटो के अकॉर्डिंग अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी, जिसके अंदर फिलोसोफर किंग रूल करेगा और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी वो उसके अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट है. लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल. हम इसके अंदर आगे आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो जो यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो आपको लाजमी आनी चाहिए, और आप ऐड करना चाहें करें, बट बेसिक ये चीज़ लाजमी तौर पर आनी चाहिए. अब ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट होनी चाहिए. इसका मतलब है कि जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से काम करती है, बिल्कुल इसी तरह से ही स्टेट भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है. इसके लिए वो कहता है कि स्टेट इज़ अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इज़ अ मिनिएचर स्टेट. अब उसमें वो आगे कहता है कि इन जिस तरह इंसान डिफरेंट ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से काम करता है, बिल्कुल स्टेट भी इस तरह डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है, और एक ऑर्गन जो काम करता है वो दूसरा ऑर्गन काम नहीं कर सकता. बिल्कुल इसी तरह से इसने पूरी सोसाइटी को तीन तरह की क्लासेस में डिवाइड किया. अब वो किस चीज़ के ऊपर इसने डिवाइड किया, दैट्स रियली ईजी, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट. अब इस तरह से उसने बोला कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन के कोऑर्डिनेशन से काम करती है, बिल्कुल इसी तरह से ही स्टेट को भी डिफरेंट ऑर्गन के कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा. उसके अलावा ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें वो कहता है कि हर इंडिविजुअल अपने स्फीयर में अपनी क्लास में रह के काम करेगा. अब उसने क्लास सिस्टम कैसे बनाया, तो वो बड़ा मज़े का है, आई रियली लाइक इट, मैं आपको बताती हूँ. इसने बोला कि जो ह्यूमन पूरी सोसाइटी है ना, इसमें तीन तरह की सोल्स भी डोमिनेट करती हैं. हर सोल की डिफरेंट कैपेसिटी है टू अटेन नॉलेज, और नॉलेज क्या है, हाईएस्ट वर्चू. मतलब जिस तरह सोक्रेटिस इसका टीचर कहता था कि एक इंसान की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी टू अटेन नॉलेज वो उतना ज़्यादा वर्चुअस होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वर्चुअस कौन हुआ, जो सबसे ज़्यादा नॉलेज एक्सेप्ट सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेगा, या उसके पास नॉलेज गेन करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी. और सबसे कम वर्चुअस कौन होगा, जिसकी सबसे कम कैपेसिटी होगी. तो उसने बोला कि हमारी सोसाइटी में तीन तरह की सोल्स भी डोमिनेट करती हैं. एक वो सोल है जिसकी ज़्यादा प्रोपेंसिटी किस चीज़ की तरफ है, टू एपिटीट, टू वर्ल्डली प्रेयर्स, उनकी सोल इस तरह की चीज़ में इंडल्ज्ड है, और उनकी नॉलेज अटेन करने की कैपेसिटी सबसे कम है. और फिर कुछ इस तरह के ग्रुप हैं, इस तरह के लोग हैं जिनकी सोल में स्पिरिट या करेज या वैलियर का एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रिय, और उनकी नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी जो दूसरी क्लास है उससे ज़्यादा है. और फिर एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी सोल है जिसकी सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है टू अटेन नॉलेज, और उनके अंदर रीज़न का एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो सबसे हाईएस्ट क्लास होगी. इस तरह से इसने तीन क्लास सिस्टम बनाया. सबसे लोएस्ट क्लास को उसने रिप्रेजेंट किया ह्यूमन बॉडी के ग्रोइन से या लिम्ब्स से, जिसमें उसने डोमिनेट किया, जिससे उसने रिलेट किया उन ऑर्गन से जो रिलेटेड है विद एपिटीट एंड प्लेयर, जिस तरह स्टमक, जिस तरह हैंड्स फॉर लेबर, स्टमक फॉर एपिटीट,
प्लेजर, वर्ल्डली प्लेजर, तो जो लोग इस जिनकी सोल इस तरह के एलिमेंट से प्रीडोमिनेट करेगी एंड उनके अंदर एपिटीट और प्लेजर का एलिमेंट प्रीडोमिनेट करेगा, जिनके अंदर उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा कम कैपेसिटी होगी टू अटेन नॉलेज, वो सबसे लोएस्ट क्लास में होंगे। और उसको उसने रिप्रेजेंट किया विद ह्यूमन बॉडीज ऑर्गन्स, कौन से हैं वो, द ग्रोइन, एब्डोमेन एंड लिम्स, ठीक है। और उसके अलावा उसने बोला ये तो